तो चलो तीन ऐसे रीजंस बताता हूँ जिनकी वजह से OMG2 फ्लॉप हो सकती है। पहला है सनातन धर्म। मूवी में सनातन धर्म का बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, तो अगर मूवी में हमारे इंडियन हिस्ट्री को लेके या हमारे सनातन धर्म को लेके कोई भी गलत सलत चीज़ें बताई गई या दिखाई गई तो भाई लोग उतना सहेंगे नहीं। दूसरा है हमारे महादेव। तो अब देखो, पिक्चर में भले ही अक्षय कुमार का रोल एज दूत रिप्रेजेंट किया जा चुका है, लेकिन वो सिर्फ इस एक क्लिप के लिए था, पूरी पिक्चर तो रीशूट हुई नहीं है। तो काफ़ी सारे सीन्स ऐसे होंगे जिनमें महादेव का इन्वॉल्वमेंट होगा, और अगर उन्हें थोड़ा सा गलत वे में दिखा दिया ना एज इंसल्टिंग टाइप, तो भाई पब्लिक बहुत ही ज़्यादा बुरा मान जाएगी। तीसरा और सबसे बड़ा रीज़न है पब्लिक का रिएक्शन, क्योंकि पहले दिन के बाद अगर ऑडियंस OMG2 के प्रेजेंटेशन की वजह से एक अच्छे फील के साथ थिएटर में से बाहर नहीं निकलती है ना, तो डेफिनेटली पिक्चर पिट जाएगी भाई आगे जाके। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम बताओ।